हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 20x30 का प्लान का। आज उसी वीडियो का मैं कॉलम का लोकेशन बता रहा हूँ ऑटोकैड के अंदर। तो ये रहा वो प्लान और उसके कॉलम्स के डिटेल्स। कॉलम के लोकेशन ओरिएंटेशन कौन से कहाँ पे होना चाहिए उस हिसाब से मैंने सेट किया है, देख लीजिए। टोटल 9 कॉलम आ गए हैं इस प्लान में। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इसको सेट किया है। अगर इसको आप ज़्यादा डिटेल में कुछ जानना चाहते हो तो आपके नज़दीकी स्ट्रक्चर से कांटेक्ट करें और इसके स्टील डिज़ाइन वगैरह जो भी है उनसे ले लें। मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके ऊपर सारे डिटेल बताए थे मैंने। तो इसमें बस मैं आपको कॉलम का बता रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने इसका सेंटर लाइन भी बनाया है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 ग्रिड है और यहाँ पे 3। तो फर्स्ट यहाँ पे 1 फीट 4.5 इंच इसके सेंटर से अपना प्लॉट का एरिया है, क्योंकि 1 फीट मैंने सेट बैक छोड़ा हुआ था। तो ये 4.5 इंच इस कॉलम का सेंटर है। तो इस कॉलम से इस कॉलम का सेंटर 7 फीट 5 इंच और इस कॉलम से इस कॉलम का सेंटर 4 फीट 1 इंच है और इस कॉलम से इस कॉलम का सेंटर 10 फीट 10 इंच है। और जो इसके मिडिल में एक जो कॉलम आया है, इस कॉलम से इस कॉलम का सेंटर 6 फीट 9 इंचेस है। और यहाँ पे 4.5 इंच अपना कॉलम से प्लॉट का डिस्टेंस है, क्योंकि इस साइड हमने टोटली जगह यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ 4.5 इंच ही आएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 4.5 इंच मैंने इस वॉल का सेंटर लिया है, कॉलम का सेंटर नहीं है, ये वॉल का सेंटर है। ये जो वॉल देख रहे हो आप, इस वॉल का सेंटर है। और इस कॉलम से इस कॉलम 12 फीट 3 इंच है और यहाँ पे इस कॉलम से इस कॉलम जो कि हॉल का है, इसका स्पैन ज़्यादा है, तो ये 16 फीट है। एक बार आप इसको डिटेल में देखिए। इसको मैं जूम आउट करके एक बार पूरा कंप्लीट आपको सेंटर लाइन बताता हूँ। और इसी का मैंने एक 3D में कॉलम का एक 3D मॉडल बनाया हुआ है सेंटर लाइन के हिसाब से, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। तो देख लीजिए उस सेंटर लाइन के हिसाब से ही मैंने इसको कॉलम को 3D मॉडल में बनाया है मैंने। ये PCC अपना 5 to 6 इंच जो भी आपके हिसाब से ले सकते हो। और ये स्टेप फुटिंग सिंगल स्टेप है और ये कॉलम। अब मैं इसको रोटेट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे तो आप डिटेल देख ही रहोगे, ये वन साइड कॉलम आ गया है। तो ये शू फुटिंग हो गया है क्योंकि इस तरफ टोटली जगह हमने यूज़ किया है, तो इस वजह से तो शू फुटिंग हो गया है।
ये लाइन के पूरे कॉलम्स टू फुटिंग हो गए हैं, और इस साइड जो है बैक साइड हमने 1 फीट सेट बैक छड़े हुआ था, तो ये 3 फीट अपना पीसीसी आउट साइड बाहर आया है, और ये 9 इंचेस इस साइड फुटिंग बाहर आया है। तो ये पूरे कॉलम और फुटिंग जो भी है एक ही सेम है, और इस साइड भी सेम आएगा क्योंकि बैक साइड और इस साइड मैंने 1 फीट सेट बैक छोड़े हुआ था। ये जो फुटिंग है ये एज इट इज सेंटर में है, पीसीसी के और फुटिंग के सेंटर में ये कॉलम है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये शू फुटिंग हो गया है और ये फुटिंग, एक बार आप क्लियरली देख लें। वही प्लान का सेंटर लाइन है ये। 3D में मैं एक्चुअली आपको एक विजुअल नज़र के लिए बनाया है, तो ये विजुअल नज़र हो जाए, देखने के लिए क्लियर हो जाएगा कि ऑन साइड पे ये ऐसा हो जाएगा। आप इसको कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको ये बहुत यूज़फुल होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई प्लान वगैरह हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट इस नंबर पे करें, जो मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे एक बार आपके जो भी प्लॉट के डिटेल्स वगैरह है उससे कहिए, मैं आपका प्लान ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।